देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द ऑल एंगल्स एक्सेप्ट वन ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 2190 वेयर द एंगल्स आर लेस देन 180, ठीक है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स आर पॉलीगन, ठीक है, तो कितनी होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास हम मान लेते हैं एन साइड्स हैं, ठीक है, तो एन साइड्स का टोटल इंटीग्रल कंप्यूट एंगल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 इंटू एन माइनस टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें से हमें 2190 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेस देन आना चाहिए 180 से, ठीक है। तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू इसी इक्वेशन से आज इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो वो कितनी आ जाएगी 180 एन माइनस 360 माइनस 2190 लेस देन 180, ठीक है। तो यहाँ पे 180 एन इज लेस देन क्या आ जाएगा, 180 प्लस 360 माइनस सॉरी प्लस 2190, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 180 एन लेस देन 2730, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2730 डिवाइडेड बाई 180, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एन लेस देन आ जाएगा 15.1 कुछ आएगा, ठीक है, वन समथिंग। तो ये हमारे पास एन लेस देन 15 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज इंटीजर में कितनी हो जाएगी 15, तो यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, इजी है ये, हमको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से एन इजीली निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है।